Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ravi Divedi, and we are doing here the plus two mathematics levels conceptually. In this video lecture series, we have did till the sign of the trigonometric function in different quadrant, and we have started the values of trigonometric function at allied angles. And in this sequence, we have did

ोमैटिक फशन एट अलाइट एंगल ओके तो हम लोग फिर से आते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट पे कि वी हैव अ यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल विथ रेडियस वन यूनिट ओके एक सर्कल है जिसकी यूनिट रेडियस uh, हमारे पास वन यूनिट है और यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास है पी जिसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी सो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी ए एंड ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी एंड एक्स रेडियन हमारे पास क्या है एंगल है विच इज सबस्टेंडेड एट सेंटर इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है अब हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ साइन हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ द टिक्नोमेटिक फंक्शन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स तो अगर हम यहाँ से पाई बाई टू माइनस एक्स की बात करें तो एक पहली बात तो ये कि पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब एक्स जो हमारा यहाँ पे हम लेंगे एक्स जो हमारा लेंगे वो एक्यूट एंगल होगा एक्स हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल होगा ओके एक्स जो हमारा यहाँ पे होगा वो एक्यूट एंगल होगा तो जब पाई बाई टू माइनस एक्स हम लोग लेंगे तो कुछ हमें ये इस तरीके से मिलेगा पाई बाई टू माइनस एक्स ओके यंगल मिलेगा तो अगर हम इस वाले एंगल के लिए बात करें तो अब इस वाले एंगल के हिसाब से हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो हो जाएगी ये लाइन एंड जो बेस होगा वो हो जाएगी ये लाइन इस लाइन की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये ए है और इस लाइन की वैल्यू जो है वो बी है तो इसके हिसाब से हमने पहले ही जो डेफिनेशन जो हमने साइन कॉज की डिस्कस की थी तो हमने बताया था कि जो साइन हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल था और जो हमारा कॉस था वो वो किसके एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि बेस के इक्वल था है ना यूनिट सर्कल में ए एक के इक्वल था तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हो गई वो हो गई ए तो इसका मतलब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा ए और ए एक्चुअली हमारा क्या है कॉस एक्स है ए एक्चुअली हमारा क्या है कॉस एक्स है सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स की तो ये हमारा क्या हो जाता है ये हमारा हो जाएगा b एंड b हमारा होता है साइन एक्स ओके तो हमने क्या किया है साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली पाई बाई टू माइनस एक्स पे अगर हमारे पास साइन और कॉस आ गए हैं तो अब हम ईजिली क्या कर सकते हैं बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस हैं उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो कैसे हम लोग निकालेंगे जो हमारा कॉसिक होता है कॉसिक पाई बाई टू माइनस एक्स ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई टू माइनस एक्स मीन्स ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स देन इक एक्स एंड जो हमारा सेक फाई बाय टू माइनस एक्स होगा ये हो जाएगा कॉसेक एक्स एंड जो टेन पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा कॉट एक्स एंड कॉट पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा टेन एक्स ओके तो इस तरीके से हम आ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे टिप्नोमेटिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल पाई बाई टू माइनस पे वैल्यू जो है इसकी वो फाइंड कर सकते हैं ओके तो इस तरीके से हमने पाई बाई टू की वैल्यू फाइंड कर ली अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं पाई बाई टू प्लस कर लेते हैं हम क्या कर लेते हैं अगर हम पाई बाई टू प्लस एक्स कर लेते हैं तो अगर हम पाई बाई टू प्लस एक्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरा फाइव बाई टू अगर प्लस की बात करें तो वो हमारा आ जाएगा अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो अब ए की जगह आ जाएगा माइनस है एंड बी तो हमारा बी रहेगा ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा और बी तो हमारे पास बी ही रहेगा ओके okay, तो अगर यहाँ से हम देखें अगर यहाँ से हम देखें ए हमारा Osionfish. तो हम पाई बाई टू प्लस एक्स की बात कर रहे हैं मतलब कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस एंगल की अब है ना हम किस एंगल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस एंगल की क्योंकि पाई बाई टू तो ये कम्प्लीट हो गया है ना पाई बाई टू ये कम्प्लीट हो गया और ये प्लस एक्स हो गया ठीक है तो ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एक्स तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं अगर इन वैल्यूज़ में हम पाई बाई टू माइनस की जगह य टू प्लस कर लेते हैं ओके okay. बट ये गैस ऐसे इस तरीके से नहीं बनेगा है ना तो अब इसके लिए हम तो क्या करते हैं मैं डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम में ख़राब नहीं कर रहा हूँ इस पर तो ये हमारा अगर हम साइन पाई बाई टू पे लेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स तो पाई बाई टू प्लस एक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है तो जब पाई बाई टू हमारा ये हो गया और इसमें हमने कुछ प्लस कर दिया तो हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि हमारा साइन और कॉसिक जो है वो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉस हमारा जो है वो साइन और कॉसिक जो है वो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था सारे पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस का कोई इशू नहीं था क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है है ना तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का कोई इशू नहीं था जब हम सेकेंड क्वार्टेंट पर आएंगे तो साइन और कॉस को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू प्लस एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स और जब हम कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे लिए माइनस साइन एक्स ठीक है बिकॉज कॉस हमें क्या देगा निगेटिव वैल्यू देगा और जब हम टेन की बात करेंगे टेन पाई बाई टू प्लस एक्स ये भी हमें देगा माइनस कॉट एक्स कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स ये भी हमको देगा माइनस टेन एक्स कॉसिक पाई बाई टू प्लस एक्स यहाँ से हमको मिलेगा कौसक पाई बाई टू प्लस एक्स ये मिल जाएगा प्लस का सेक मिलेगा इसमें से हमें सेक एक्स एंड जब हम सेक पाई बाई टू की प्लस एक्स की बात करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस कौशिक एक्स ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस एक्स और पाई बाई टू प्लस एक्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें पाई बाई टू के बाद पाई पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लाइट एंगल पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स पे वैल्यूज किस तरीके से आती हैं तो ये होता है साइन पाई बाई पाई माइनस एक्स ओके तो अगर हम पाई माइनस एक्स की बात करें तो ये हमारी लाइन पाई की होती है ये लाइन हमारी थी टेस्कल टू पाई के लिए है तो पाई माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो हम माइनस करेंगे बाद कहाँ पे आ जाएंगे एक्स हमारा एक्यूट एंगल है मतलब लेस देन पाई बाई टू है और पाई से हम कोई लेस देन पाई बाई टू क्वांटिटी सप्रेड कर रहे हैं तो हम कहाँ पर आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो फिर से सेम रूल लगेगा कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे बाकी सारे के सारे कैसे होंगे नेगेटिव होंगे अब साइन कॉसिक अगर हमारे पॉजिटिव हैं बट एक चीज़ यहाँ पर और होगी कि जब हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पाई टू पाई थ्री पाई मीन्स पाई के मल्टीपल में अलाइड एंगल्स फाइंड करेंगे तो फंक्शन जो हमारा होगा वो सेम रहता है फंक्शन हमारा कैसा रहेगा सेम रहेगा बट जब हम पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू के मल्टीपल में फाइंड करेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा चेंज हो जाएगा ठीक है वो अपने फंक्शन uh, के साथ मतलब अपने करस्पॉन्डिंग फंक्शन के साथ चेंज होगा जैसे साइन कॉस में चेंज होगा ठीक है ये मैं कन्वर्जन लिख दे रहा हूँ साइन कन्वर्स होता है कन्वर्ट uh, होता है कॉस में ओके सेक कॉसेक ये सिर्फ कन्वर्जन अलाइड एंगल्स के लिए है टेन जो है वो कॉर्ट में होता है टेन जो हमारा चेंज होगा वो कॉर्ट में चेंज होगा कॉर्ट टेन में कॉसेक सेक में और कॉस साइन में तो यहाँ पे क्या फंक्शन चेंज नहीं होना है यानी कि सेम आना है और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वार्टर देखना है तो सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया कॉस पाई माइनस एक्स करेंगे तो so, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टेन पाई माइनस एक्स दिस इज माइनस टेन एक्स एंड कॉट पाई माइनस एक्स ये भी माइनस कॉट एक्स हो जाएगा कॉसेक कॉसेक पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स कौसेक पाई माइनस एक्स एक एक्स हो जाएगा एंड सेक सॉरी ये कॉसक एक्स हो जाएगा प्लस का और सेक पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक एक्स ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा पाई बाई टू माइनस पे टिक्नोमेटिव फंक्शन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं पाई बाई टू प्लस एक्सपे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं एंड पाई माइनस पे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं तो ऐसे करके हम पाई प्लस पे भी निकाल सकते हैं थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स है ना फिर टू पाई माइनस एक्स टू पाई प्लस एक्स मतलब इस तरीके से हम ये क्या है ना कि अलाइड एंगल्स का अलाइड एंगल्स का मतलब यही है कि जिनका भी सम या डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ जीरो पाई बाई टू पाई इस तरीके से आए तो वो अलाइड एंगल्स होते हैं तो इस तरीके से ये सीरीज़ बनती चली जाएगी है ना तो हम सबके लिए इंडिविजुअली ना पढ़ के हम क्या करते हैं इसका एक जनरल फॉमूला पढ़ लेते हैं हम क्या करेंगे इसका एक जनरल फार्मूला पढ़ लेते हैं जिससे हम किसी भी अलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो चलिए यहां पे हमने क्या लिया हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया फंक्शन लिया ठीक है और इसके साथ हमने क्या ले लिया वैल्यू ले ली थीटा हमने क्या ले लिया वैल्यू थीटा मतलब कोई भी वैल्यू थीटा है हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वैल्यू थीटा ले लिया अब हमें क्या चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर ये थीटा हमारा लेस देन पाई बाई टू है तो हमें टेबल गिवेन है हम उससे वैल्यू लिख सकते हैं पर अगर ये हमारा थीटा ग्रेटर देन पाई बाई टू है ग्रेटर देन पाई है टू पाई या उससे भी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे हम एलाइड एंगल्स रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करेंगे बट सारी आइडेंटिटीज़ हमें लर्न कर पाना है ना ये थोड़ा सा मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन वो लर्न करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया हमारे लिए कि अब हम स्पेशली बैठ के उसको लर्न कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम इस जनरल फॉर्मूला को यूज़ करेंगे कैसे यूज़ करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे अपने थीटा को पाई बाई टू से क्या करेंगे थीटा को पाई बाई टू से डिवाइड कर लेंगे पाई बाई टू मतलब नाइन्टी डिग्री से तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा आ गया एन ठीक है और रिमाइंडर आ गया हमारा एल्फा क्या गया? रिमेंडर आ गया रिमाइंडर आ गया हमारा एल्फा तो हमने क्या किया ओके तो अब एल्फा हमें इस तरीके से ये रिमाइंडर लेना है कि ये एक्यूट एंगल हो है ना क्योंकि हमें एक्यूट एंगल के लिए टेबल में वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं थीटा को ऐसे कन्वर्ट करेंगे दिस टिक्नोमेटिक फंक्शन ओके और यहाँ पे हम लिखेंगे एन पाई बाई टू ठीक है अब या तो या मालो ये अगर मान लो कि ये हमारा अल्फा हमें एक्यूट एंगल लेना है ठीक है हमने डिवाइड कराया और सपोज दैट ये वैल्यू जो है ठीक है तो इस तरीके से मान लेते हैं ये एन बाई, बाई बाई टू प्लस एल्फा आ गया हमारा क्या गया? आ गया प्लस एल्फ़ा आ गया एन पाई बाई टू अब जब ये एन पाई बाई टू प्लस एल्फा आ गया है अब जो ये इसकी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इस एन पे पहली चीज़ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी एन पे तो फर्स्ट केस ये है इज़ ओके फंक्शन विल चेंज फंक्शन विल बी चेंज है ना अगर एन हमारा ऑड आता है तो हम क्या करेंगे फंक्शन को चेंज कर देंगे मतलब यहाँ साइन होगा तो कॉस होगा चेंज अकॉर्डिंगली अब किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जरा तो ये भी देख ले तभी मैंने लिखा था कि साइन जो होगा वो कॉज के साथ इंटरचेंज होगा मतलब साइन कॉस में कॉज साइन में ठीक है टेन जो होगा वो कॉट के साथ इंटरचेंज होगा और जो हमारा सेक होगा वो कॉसेक के साथ इंटरचेंज होगा ठीक है पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंगली दिस है ना एंड सेकेंड अगर एन हमारा इवेन है इफ एन इज़ इवेन ओके फंक्शन विल रिमेन सेम फंक्शन विल रिमेन सेम तो मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा सेम रहेगा मतलब फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बात समझ में आ गई ना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लिया हमने है ना उसके साथ कोई भी एंगल थीटा में गिवन है थीटा को हमने क्या किया पाई बाई टू से डिवाइड करा लिया तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा एन आ गया रिमाइंडर हमारा जो है वो एल्फा आ गया तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एन पाई बाई टू प्लस एल्फा हो जाएगा अब ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ़ दिस एन दिस द वैल्यू ऑफ दिस डिग्नोमेटिक फंक्शन विल बी रिटेन अगर एन ऑड है तो ये फंक्शन जो हमारा है चेंज हो जाएगा और चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा अगर एन ईवन है तो फंक्शन क्या होगा सेम रहेगा एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी दूसरी चीज़ हमें यह याद रखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ठीक है हमारा जो फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो मान लो कि ये है अब यहाँ पे वन पाई बाई टू आ गया तो वन पाई बाई टू ये हो गया और प्लस अल्फा हो गया तो यानी कि हम यहाँ पे आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए ठीक है अगर ये टू पाई बाई टू हो गया तो यहाँ से टू पाई बाई टू कम्प्लीट हो गया और प्लस अल्फा हो गया तो हम थर्ड में आ गए ठीक है इसी तरीके से हम इसमें आ गए इसमें इस तरीके से ठीक है तो अगर मान लो ये फोर से भी ज़्यादा है तो ये ऐसा करके रिपीट करने लगेगा इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा एन ऑड या इवन है दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा किस क्वाड्रेंट में है क्वाड्रेंट के हिसाब से हम ये देखेंगे कि फंक्शन के साथ प्लस आना है या माइनस आना है ठीक है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं सेकेंड में साइन कॉस थर्ड में टेन कॉट फोर्थ में कॉस ऑन सेक ठीक है चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके बेस्ड पर तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कॉशक थ्री नाइनटी डिग्री अच्छा एक चीज और वो जो हमने फार्मूला लिखा था वो फार्मूला अगर प्लस अल्फा की जगह माइनस अल्फा है। अगर हम डिवाइड करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात वहाँ प्लस अल्फा ही आएगा ठीक है अल्फा जो होगा जीरो से फाइव बीच में लाई करेगा पर इन केस अगर हमसे माइनस अल्फा के लिए भी पूछा जाए मतलब ऐसे क्वेश्चन में ही माइनस अल्फा लिख के दे दिया जाए या माइनस कोई भी एंगल लिख के दे दिया जाए तो वो जो फॉर्मूला हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है प्लस के लिए वो वैलिड है माइनस के लिए भी है ना वो फॉर्मूला हमारा माइनस के लिए भी वैलिड होगा तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास कॉसक थ्री नाइन्टी है तो हमने क्या किया इसको नाइन्टी से डिवाइड करा लिया तो ये फोर टाइम जाएगा थ्री सिक्सटी हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा थर्टी डिग्री तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक कॉसिक फोर इंटू नाइन्टी डिग्री एंड प्लस थर्टी डिग्री है ना हम इसको लिख सकते हैं फोर इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री अब यहाँ पे देखो n हमारा क्या है फोर है मतलब ईवेन नंबर है n हमारा कैसा है फोर है मतलब ईवन नंबर ईवन नंबर मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो हम पहले तो कॉसेक को ऐसे ही लिख लेते हैं ठीक है थर्टी भी आ जाएगा एज इट इज़ अब देखते हैं प्लस माइनस से फोर है ना फोर हमारे पास नाइन्टी है यानी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फोर नाइन्टी कंप्लीट हो गया और प्लस थर्टी जैसे इसमें प्लस करेंगे हम अब इसमें आ गए फर्स्ट क्वार्टर में आ गए ठीक है हम किस में आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं मतलब यहाँ प्लस साइन ही रहेगा और कॉसिक थर्टी की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी वन अपॉन साइन थर्टी और साइन थर्टी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है वन बाई टू ठीक है जिन लोगों ने वैल्यू नहीं देखी हो टेबल में जरूर देख लें ठीक है साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू ये वन अपॉन वन बाई टू और ये वैल्यू आ गई टू ठीक है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन हो हम उस आ, उसकी वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन पर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट जनरल फॉर्मूला चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ये हमें गिवन है टेन 19 पाई बाई थ्री ठीक है हमें क्या गिवन है टेन 19 पाई बाई थ्री तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको टेन ठीक है थ्री से डिवाइड करा लो तो ये हो गया सिक्स पाई क्या हो गया ये सिक्स पाई हो गया और प्लस बचा हमारे पास पाई बाई थ्री जरा तो देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं नाइनटीन पाई बाई थ्री को सिक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री ओके तो सिक्स पाई बाई प्लस थ्री बट यहाँ पे हमें चाहिए क्या हमें चाहिए पाई बाई टू तो ये हो गया टेन सिक्स इंटू टू और इंटू पाई बाई टू ऐसे लिख सकते हैं हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किसमें हमें डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट हम इसको बना पा रहे हैं तो हमने टेन लिख लिया और ये हो गया ट्वेल्व पाई बाई टू और ये प्लस हो गया पाई बाई थ्री बन गया इस फॉर्म में एन पाई बाई टू प्लस अल्फा फॉर्म में बन गया एन हमारा क्या है ट्वेल्व है एन ट्वेल्व मतलब इवन है तो अगर इवन है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा मतलब टेन आ जाएगा और पाई बाई थ्री आ जाएगा ये अल्फा आ जाएगा ठीक है अब प्लस माइनस के लिए देख लेते तो ट्वेल्व पाई है तो फोर पाई में एक सर्कल एट पाई में सेकेंड ट्वेल्व पाई में थर्ड और जब हम प्लस करेंगे तो हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो ये भी हमारा प्लस साइन रहेगा और टेन फाइव बाई थ्री का मतलब है टेन सिक्सटी डिग्री क्या मतलब है टेन सिक्सटी डिग्री टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री वैल्यू जीरो से लेकर के फाइव बाई टू तक टेबल से ज़रूर देख लें जितना मैक्सिमम हो सके वैल्यूज को मेमोराइज़ कर लें अगर नहीं भी हो पा रहा तो कम से कम साइन कॉस की वैल्यू तो मेमोराइज़ कर लें क्योंकि अगर हमें साइन कॉस की पता है तो यहाँ से हम इसको साइन सिक्सटी अपॉन कॉस सिक्सटी लिख के क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू और इसकी वैल्यू वन बाई टू ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास रूट थ्री तो भले हमारे पास दो चार सेकंड ज़्यादा लगेंगे बट एटलीस्ट हमें साइन और कॉज की वैल्यू जीरो टू फाई बाई टू लर्न होनी चाहिए अगर वो हमें लर्न है तो हम ये वैल्यूज जो है वो ईज़िली फाइंड कर सकते हैं <coughs> एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस पर उसके बाद हम लोग दो और प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बस उसके बाद हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक क्वेश्चन ये है हमारे पास इसमें गिवन हमको ये है साइन माइनस इलेवन पाई बाई थ्री ठीक है साइन माइनस इलेवन पाई बाई थ्री तो एक चीज हमने पहले लाइट एंगल में पढ़ी थी कि साइन अगर माइनस एक्स है क्या है साइन माइनस एक्स है तो वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाता है वो इक्वल हो जाता है माइनस साइन एक्स के तो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस साइन एक्स के अब चलिए ये माइनस तो ऐसे रहेगा अब यहाँ पे देख लेते हैं साइन अब इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री टू जिक्स थ्री थ्री जे नाइन यानी थ्री पाई हो गया एंड प्लस हमारे पास बचा टू पाई तो ये हो गया अपॉन थ्री टू पाई अपॉन थ्री ओके <laughs> बट इसको अगर हम टू पाई अपॉन थ्री में लिखेंगे तो ये हो गया वन ट्वेंटी अभी एक्यूट एंगल नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं इसको इसकी वैल्यू अगर हम वन एट्टी रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये इट uh, विल भी एक्चुअली चलो ऐसे लिख लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग बना लेंगे इसी uh, okay? तो को ये हो गया थ्री यानी कि थ्री पाई प्लस टू पाई बाई थ्री ओके तो ये हो गया माइनस साइन थ्री पाई को हम लिख सकते हैं सिक्स पाई बाई टू है pi by 2, ना थ्री पाई बाई टू लिख सकते हैं सिक्स हम पाई बाई टू के फॉर्म में बना रहे हैं तो मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे पाई बाई टू के फॉर्म में अब ये हमारा लिखा है टू पाई बाई थ्री इसको भी हम पाई बाई टू के फॉर्म में ब्रेक करें ताकि हमारा पूरा पाई बाई टू एक साथ हो जाए तो टू पाई बाई थ्री जो हमारा है ये एक्चुअली लिखा हुआ है वन ट्वेंटी और वन ट्वेंटी को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू यानी नाइन्टी एंड प्लस पाई बाई सिक्स यानी थर्टी ठीक है ये हमारा है टू पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री मतलब वन ट्वेंटी डिग्री वन ट्वेंटी को हम लोग लिख सकते हैं नाइन्टी मतलब पाई बाई टू प्लस थर्टी मतलब पाई बाई सिक्स तो अब ये हो गया हमारा माइनस साइन ठीक है टोटल हमारे पाई बाई टू कितने हो गए सेवन पाई बाई टू हो गया एंड प्लस हमारे पास क्या चल रहा है सिक्स चल रहा है ठीक है अब यहाँ पे देखो ऑड हो गया एन कैसा हो गया हमारे पास ऑड हो गया अगर एन ऑड है तो ये क्या होगा फंक्शन चेंज होगा और यहाँ फंक्शन क्या है साइन तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में कॉस पाई बाई सिक्स ठीक है अब जरा साइन देख लेते हैं ठीक है ये जो माइनस है वो तो अभी ये अला माइनस है है ना हम इसके लिए अलग से साइन देखेंगे तो सेवन पाई बाई टू यानी फोर ये कंप्लीट हुए फाइव सिक्स सेवन है ना और प्लस इसमें कर दिया तुम तो आ गए फोर्थ में फोर्थ में हमारा साइन कैसा होता है फोर्थ में साइन हमारा निगेटिव होता है तो इसकी वजह से एक साइन पे और और आ जाएगा तो जाएगा तो ये हो मतलब वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू ओके तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट जनरल फॉर्मुला बट उसके लिए हमें जीरो से पाई बाई टू तक जो है वो एटलीस्ट साइन कॉस और पॉसिबल है तो सारे टेक्नोमेटिक फंक्शन की वैल्यू मेमोराइज़ कर लेनी है या फिर ध्यान रखना है ठीक है चलिए इसके बाद दो डिफरेंट प्रॉपर्टी तो पीरियोडिक फंक्शन होता है ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो टेक्नोटिक फंक्शन जो है वो हमें ऐसे तो अगर हम बात करें ज़ीरो से पाई की हमने बोला फिर हम टू पाई बोल दें फिर हम थ्री पाई बोल दें फिर हम फोर पाई बोल दें इस तरीके से हम टेक्नोमोटिक फंक्शन की वैल्यू निकालते रहेंगे तो क्या इन वैल्यूज़ की कोई लिमिट है या नहीं है वो हम लोग जरा देख लेते हैं ठीक है तो बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की ठीक है तो पहले तो हम ये समझ रहे पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जिन फंक्शन की वैल्यू आफ्टर सम इंटरवल रिपीट होना स्टार्ट हो जाए मतलब कि जैसे कि हमने कोई भी फंक्शन लिया हमने उसकी वैल्यू स्टार्ट की जीरो से ठीक है फिर हमने उसके जीरो पे निकाली फिर वन पे निकाली फिर टू पे फिर थ्री पे फोर पे फाइव पे जैसे हम सिक्स पे पहुँचे सिक्स पे हमारी जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आ गई सेवन पे फिर वन के इक्वल आ गई ठीक है एट पे टू के इक्वल आ गई मतलब आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम टाइम इंटरवल या आफ्टर सम इंटरवल अगर फंक्शन की वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज़ पीरियोडिक फंक्शंस ओके तो इस तरीके के जो भी फंक्शन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड चेक कर लेते हैं कि किस आ, किस वैल्यू के बाद इन फंक्शंस की जो वैल्यू है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है साइन फंक्शन है साइन फंक्शन है ना तो साइन अब मान लेते हैं हमने है ना ज़ीरो की वैल्यू लिखी तो ये आ गई ज़ीरो ठीक है फिर हमने साइन पाई बाई टू लिखा था इसकी वैल्यू आ गई वन फिर हमने साइन पाई लिखा इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो तब देखो यहाँ से जीरो से रिपीट होना स्टार्ट हो गया मतलब तो ज़ीरो के बाद ये ज़ीरो आ गया पर क्या इसके बाद अगर हम लिखें साइन थ्री पाई बाई टू ठीक है वो क्या गया वो माइनस होना गया मतलब अभी रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है फिर हम लिखते हैं साइन टू पाई क्या लिखते हैं साइन टू पाई तो ये क्या आ गया ये आ गया हमारा जीरो फिर से जीरो मिला हमें बट अगर अब हम साइन फाइव पाई बाई टू लिखेंगे क्या लिखेंगे तो इसकी वैल्यू में वन मिल जाएगी फिर जैसे ही हम लोग थ्री पाई लिखेंगे माइनस जीरो मिल जाएगा फिर जैसे हम लोग सेवन पाई बाई टू लिखेंगे माइनस वन मतलब इसकी वैल्यू जो है वो टू पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है साइन की वैल्यू जो है वो टू पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी तो साइन फंक्शन जो है उसका जो पीरियड होता है वो टू पाई होता है मतलब साइन टू पाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स ठीक है मतलब जो साइन uh, एक्स की वैल्यू होगी सेम वही वैल्यू साइन टू पाई प्लस एक्स की होंगी और सेम वही वैल्यू होंगी साइन फोर पाई प्लस एक्स की सेम वही वैल्यूज होंगी साइन सिक्स पाई प्लस एक्स की ओके ठीक है तो ये तो हो गया बात कि भाई साइन की वैल्यू टू पाई के बाद भी रिपीट कर रही फोर पाई के बाद भी रिपीट कर रही सिक्स पाई के बाद भी रिपीट करेगी ियड पीरियड किसको लेंगे तो पीरियड हम वो लेंगे जो सबसे हमारी लीस्ट नंबर होगा जिसके बाद वैल्यू जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी तो वो होगा हमारा टू पाई है ना तो जो साइन का पीरियडिक फंक्शन साइन जो है उसका जो पीरियड ऑफ साइन होगा या इंटरवल ऑफ पीरियड जो होगा इज टू पाई ओके साइन फंक्शन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है ठीक है सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है और इनके जो पीरियड है वो डिफरेंट है तो साइन का हो गया टू पाई सिमिलरली कॉस का भी होता है टू पाई अगर साइन कॉस का है है ना तो हमारा कॉसेक का भी हो गया टू पाई एंड सेक का भी हो गया टू पाई अब हमारे पास टेन और कॉट होते हैं टेन और कॉट का डिफरेंट होता है इन दोनों का पीरियडिक फंक्शन पीरियड जो होता है वो पाई होता है तो टैन और कॉट का जो पीरियड होता है वो कितना होता है पाई होता है और जो हमारा बाकी जो सेक कॉस और कौसिक सेक कॉस कौक और सेक हैं इनका जो पीरियड होता है वो टू पाई होता है ठीक है तो आई होप कि पीरियडिक फंक्शन आप समझ गए होंगे और किस तरीके से साइन टिक्नोमेटिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है और क्या सारे टिक्नोमेटिक फंक्शंस के पीरियड होते हैं ठीक है इसके बाद एक और टॉपिक है ऑड एंड ईवेंट फंक्शंस बहुत यूज़ होगा है ना ये ऑड एंड ईवेंट फंक्शन मुझे याद नहीं मैंने फंक्शन वाले वीडियो में इसको कराया या नहीं कराया है, पर मैं एक बार इसको करा दे रहा हूं यहां पे भी ऑड एंड इवेन फंक्शन ठीक है तो ऑड फंक्शन का मतलब ये होता है अगर हम किसी फंक्शन में एक्स को उसके निगेटिव के साथ रिप्लेस करा दें मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करें ठीक है और ये अगर हमारी प्लस एक्स आ जाती है अगर हमारी क्या आती है FX के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हो गया इवन एफ एक्स इज एन इवन ठीक है अगर ये हमारा ऐसा आता है, तो इवन हो गया और माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो हमारा फंक्शन हो गया इज एन ऑड फंक्शन ओके तो अब जरा हम बात करें ठीक है जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करा दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ गया ये है ना यानी कि हमें फिर से एफ एक्स मिल गया तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कराने के बाद अगर हमें फिर से वही सेम फंक्शन मिल जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है बट अगर हमें वही सेम फंक्शन मिलता है विद माइनस साइन तो हम कह देंगे कि वो ऑड फंक्शन है पर अगर इस तरीके से नहीं कुछ भी मिलता है तो ना इधर इवेन नॉर ऑड है ना इस तरीके से हम इवेन ऑड की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस को तो अब अगर हम अपने टिग्नोमेटिक फंक्शंस की बात करें तो हमें पता है कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है ठीक है यानी ये हमारा क्या हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स और ये किसके इक्वल आ गया माइनस एफ एक्स के तो ये साइन फंक्शन कैसा हो गया ऑड फंक्शन हो गया है ना बट हमें ये भी पता है कि जो हमारा कॉस होता है कॉस माइनस एक्स ये कॉस एक्स के इक्वली होता है तो ये कैसा हो गया फंक्शन इवन फंक्शन हो गया तो अगर साइन ऑड है तो साइन से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे सारे ऑड हो जाएंगे जिनमें साइन आ रहा होगा तो किसमें किस में आता है कॉसेक है ना टेन कॉट ये सब भी क्या ऐसे हो गए ऑड हो गए और कॉस से रिलेटेड कौन सा फंक्शन है सिर्फ सेक तो सेक इज इवन है ना तो साइन कॉसेक टेन कॉट ऑड फंक्शन है कॉस और सेक जो है वो हमारे इवन फंक्शन है तो इसी के साथ ही जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर से है ना वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो लेक्चर के थ्रू करा पाना पॉसिबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं कर सकते हैं ये आप लोग कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है ठीक है उस चैप्टर पर जाइए ट्रिगोमेटिव फंक्शंस वाले पे और बेसिकली मैं रेफ़र करता हूँ आर डी शर्मा को तो आप जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे और इस जो भी मैंने आज कॉन्सेप्ट किया है या पिछले लेक्चर्स में किया था उन सबसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते हैं करते रहिए ठीक है थीके? और देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें है ना और अगर अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें